हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण पाठक आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा जो आपके एनडीए से रिलेटेड है। इसमें आपको सबसे पहला चैप्टर सब्जेक्ट इन्वॉल्व रिलेशन के बारे में पढ़ना है। सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशन, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो आप इसमें एक फेमस रूल है, सब्जेक्ट के बिना संसार का एक भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब इसके रिलेशन इनसेपरेबल है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर ऑफ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और वर्ब जो है वर्ब विच शोज द स्टेट इवेंट एंड एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक फेमस रूल है, वर्ब ऑलवेज एग्रीज ए सब्जेक्ट, एग्रीज अ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, इन नंबर एंड पर्सन। ये फेमस रूल फेमस ग्रामेरियन जेसी नेस्फील्ड साहब ने दिया। इस नियम के अनुसार क्रिया जो है हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल होगी। ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। आपको जानना चाहिए नंबर किसके होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। इसके बाद पर्सन आता है। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, और प्लूरल में दे। अब हमें देखना है कि जैसे आप कहें कि राहुल प्ले क्रिकेट, तो आप क्या देखते हैं के राहुल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, क्रिया सिंगुलर है, सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में है। जैसे कहें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मेक मिसचीफ्स, तो आप क्या देखते हैं कि यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, क्रिया प्लूरल है, सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह और सारे रूल हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये तो बेसिक बातें हुई। जैसे आप यूज करेंगे, पहला रूल है नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर कोई सेंटेंस इस नियम पर आधारित है, यदि कोई सेंटेंस इस नियम पर आधारित है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो क्रिया हमेशा पहले नाउन से एग्री करती है। कहने का मतलब यह है कि यदि पहला नाउन सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर होगी, पहला नाउन प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल होगी, और ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि वर्ब ऑलवेज एग्रीज द फर्स्ट नाउन। एग्जाम्पल के लिए
जैसे आप कहें सक्सेस इन एग्जाम, इन एग्जाम डिपेंड्स ऑन लेबर एंड लर्न, तो आप क्या देखते हैं कि पहला नाउन सक्सेस नाउन है, सिंगुलर है, इन प्रीपोजिशन है, एग्जामिनेशन नाउन है, वर्ब प्लूरल सिंगुलर है और सेंटेंस करेक्ट है। उसी तरह आप यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग ऑफ दिस कोचिंग आर सिंसियर, तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर पहला नाउन प्लूरल है, बीच में प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके बाद कोचिंग नाउन है, वर्ब प्लूरल है और सेंटेंस करेक्ट है। पॉज करिए ना। अब हम लोग दूसरे रूल के बारे में स्टडी करेंगे कि यदि कोई सेंटेंस नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन पर आधारित हो तो इस यही आप कहेंगे कि यही सेम रूल आप पहले भी बताएं, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जहां आने वाला दोनों नाउन हर हालत में सिमिलर होंगे और जब नाउन सिमिलर होंगे तो हम रूल के अनुसार जानते हैं कि क्रिया इसके साथ आने वाली सिमिलर होगी। तो आप रूल लिखेंगे कि व्हेन द सेम सिमिलर नाउन सिंगुलर नाउन इज प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोइंग वर्ब विल बी सिंगुलर, Following verb will be singular. Example के लिए जैसे आप कहें leader after leader give leader after leader gives his speech, तो आप क्या देखते हैं कि लीडर पहला नाउन है, ये सिंगुलर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, लीडर नाउन है, ये भी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस करेक्ट है। जैसे आप कहें बस आफ्टर बस After bus comes here, तो आप यहां क्या देखते हैं कि प्रीपोजिशन after के दोनों ओर सेम सिमिलर नाउन है, अतः क्रिया भी सिमिलर है। अब रूल नंबर थर्ड रूल नंबर है many plus a oblique n plus noun singular,
आप जानते हैं कि मैनी के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन बीच में ए या एन आने के कारण आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि ए या एन का प्रयोग हमेशा एक के लिए किया जाता है, और अगर नाउन सिंगुलर होंगे तो जाहिर है आने वाली क्रिया सिंगुलर होगी। अतः आप लिखेंगे कि फॉलोइंग वर्ब आने वाली क्रिया सिमिलर होगी। ये उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं मैनी अमेन वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो आप क्या देखते हैं कि नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस सही है। उसी तरह आप लिख सकते हैं मैनी एन ऑरेंज वॉज रॉटन इन द बॉक्स, वॉज रॉटन इन द बॉक्स। तो यहां आप क्या देखते हैं कि ऑरेंज नाउन है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है और सेंटेंस करेक्ट है। आप देखिए रूल नंबर 4, अगर कोई सेंटेंस लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, a great deal of, a great deal of, a large amount of, amount of, a huge amount of, कोई सेंटेंस इन शब्दों से प्रारंभ होती है तो आप जानते हैं कि लिटिल मतलब ना के बराबर, और लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जो कुछ भी, बाकी जो फ्रेजेस हैं सब का मतलब होता है ढेर सारी मात्रा में। इन सारे शब्दों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और uncountable noun, they are uncountable nouns and uncountable nouns always take singular verb। आप जैसे यूज करेंगे कि there is little water in the pail, तो आप यहां क्या देखते हैं कि लिटिल वाटर जो है, वाटर अनकाउंटेबल है, यूएन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आया। यूएन स्टैंड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे आप कहें अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। Very dangerous. तो आप क्या देखते हैं कि knowledge क्या है, uncountable noun है, abstract noun है, और इसीलिए आने वाला verb similar है। तो यहां हमें एक चीज गौर करनी चाहिए कि जो पहला sentence है यह केस ऑफ इन्वर्जन का उदाहरण है। केस ऑफ इन्वर्जन क्या होता है
केस ऑफ इन्वर्जन जो होता है वह इन्वर्जन, केस ऑफ इन्वर्जन इसका मतलब यह होता है कि सेंटेंस की वह स्थिति जिसमें क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता, जैसा कि आप पहले एग्जांपल में देख रहे हैं, यहां सब्जेक्ट लिटिल वाटर है लेकिन क्रिया पहले आई है और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगे हुए हैं। अब आपको यह जानना है कि केस ऑफ इन्वर्जन कब शुरू होता है, यदि सेंटेंस की शुरुआत लिटिल से हो, लिटिल से हो, इसके बाद स्कार्सली, स्कार्सली सेल्डम, सेल्डम हार्डली, हार्डली सेल्डम हार्डली आउटसाइड, आउटसाइड नोवेयर, नोवेयर नो सुनर, नो सुनर ओनली देन, ओनली देन अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अंडर ए ट्री, अंडर अ ट्री। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लिखें के, और रेयरली भी आप जोड़ सकते हैं, उससे भी अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो केस ऑफ इन्वर्जन होता है। जैसे आप कहें कि रेयरली डन ही अटेंड द क्लास, रेयरली डन ही अटेंड द क्लास, तो आप क्या देखते हैं कि रेयरली डन ही अटेंड्स अटेंड द क्लास, तो आप क्या देखते हैं कि वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट ही जो है ये बाद में आया। इसी तरह आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप शुरू करें कि नोवेयर, नोवेयर वॉज ही फाउंड, नोवेयर वॉज ही फाउंड, तो आप क्या देखते हैं कि वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में आया। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस टांसेस विल ही नॉट हेल्प यू, बोलते हैं थैंक यू फॉर बीइंग विद मी डियर स्टूडेंट्स।